हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे फिजियोलॉजी का, जो है टू डेमोंस्ट्रेट द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ट्रांसपिरेशन को हम लोग को समझने के लिए हम लोग को एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे सेटअप आपको दिख रहा होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक पॉट लेते हैं जिसमें एक आपको प्लांट दिख रहा होगा, और उसको हम लोग कवर किए हैं एक ग्लास, इन्वर्टेड ग्लास आपको ये दिख रहा है, इसको हम लोग पूरा बोलते हैं इसको बेल जार। तो ये एक्सपेरिमेंट इसी पे है कि हम लोग ट्रांसपिरेशन को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बेल जार। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको कम्प्लीटली सील कर देंगे, मतलब यहाँ से हम लोग, ये पॉट है, पॉट के ऊपर भी सॉयल है, सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, एक ऑयल या फिर वैसलीन शीट से हम लोग उसको कवर कर देंगे ऑयल क्लॉथ से। और ये जो हम लोग का बेलजार है ये भी कम्प्लीटली टाइट होना चाहिए, यहाँ से इन्वायरमेंट से एयर नहीं जाना चाहिए अंदर। इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, अगर बाहर से कोई भी एयर यहाँ नहीं आ रहा है, ना ही सॉइल से हम लोग को जो सॉइल का मॉइस्चर है वो यहाँ पे जा रहा है, तो फिर भी हम लोग को 2-3 आवर के बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो बेलजार के ऊपर ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स हम लोग को दिखने लग जाता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है जो प्लांट्स होता है वो वाटर ऑब्जॉर्ब तो करता है पर उतने ही अमाउंट में वो वाटर को लॉस भी करता है। उसी प्रोसेस को, उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे हम लोग को पता चलेगा कि इसको हम लोग जब कम्प्लीटली एयर टाइट रख देते हैं और वो प्लांट क्या होता है उसको भी, उससे सॉइल को भी फिल कर देते हैं ऑयल क्लोथ से, फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो लीफ है ये लीफ क्या करता है, लीफ में स्टोमाटा होता है सबको पता है, तो वो स्टोमाटा पोर से ही क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये हम लोग को पता चल गया कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ठीक है, मतलब प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है, जितने अमाउंट में वाटर वो ऑब्जॉर्ब करता है उतने अमाउंट में वाटर वो लॉस भी करता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया अब ट्रांसपिरेशन। अब हम लोग को अगर कोई बोलता है कि हम लोग ट्रांसपिरेशन को मेजर कैसे करेंगे, ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है पोटोमीटर। पोटोमीटर वैसा डिवाइस है जो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन का रेट को मेजर करता है। तो ये इस अपैरेटस का नाम है गेनोंग्स पोटोमीटर, क्योंकि ये उनको जो साइंटिस्ट दिए हैं उनका नाम गेनोंग्स है, तो इस वजह से इनका इसका नाम है गेनोंग्स पोटोमीटर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका सेटअप देख लीजिए। ये यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब होता है, इसमें वाटर पूरा एपरेटस में वाटर फिल्ड रहता है, यहाँ पे वाटर फिल्ड रहता है, और ये ग्लास ट्यूब जो है इसमें कॉर्क फिट किया जाता है और उसके अंदर एक ट्विग को लगाया जाता है। ये ट्विग यहाँ पे रहता है और वो जो ग्लास ट्यूब है उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब आ रहा है, कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे, इसको हम लोग ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कॉर्क हो गया, ये ग्लास ट्यूब हो गया, यहाँ पे एक आपको ट्विग है और ये ट्विग को लगाने का भी प्रोसेस होता है। जैसे ये हमारा ट्विग है इसको हम लोग ऑब्लिकली कट करके कॉर्क में फिट करते हैं ताकि ज्यादा सरफेस मिले और वाटर अब्जॉर्प्शन वो ज्यादा कर सके। फिर यहाँ पे ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका एंड यहाँ पे है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पे फ्री एंड इसका यहाँ पे डिप्ड है, किसमें, एक बीकर में जिसमें हम लोग रखे हैं, इसमें वाटर फील्ड है। और यहाँ पे जो आप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वाटर रिजर्वर। इसमें क्या करता है, वाटर को रिजर्व करके रखता है। जब हम लोग एक रीडिंग ले लेते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट देख लेते हैं, तब क्या करते हैं, हम लोग को जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को रिस्टार्ट करना होता है या फ्रेश रीडिंग लेना होता है तब हम लोग इसको ओपन करते हैं और यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेश रीडिंग लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या काम करता है, सबसे पहले ट्रांसपिरेशन का रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है एयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर बबल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम लोग को एयर बबल यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको हम लोग हल्के ऐसे लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको फिर डिप कर देंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे एयर बबल्स आना स्टार्ट होता है। जैसे ही एयर बबल्स यहाँ पे आएगा ये धीरे धीरे क्या करेगा, इधर इस डायरेक्शन में जिधर ट्विग है उधर आने लगेगा, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कहाँ तक ट्रेवल किया। और उसी वक्त हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे बबल्स अपेयर होना स्टार्ट हुआ था हम लोग स्टॉप वॉच भी ऑन कर देंगे ताकि हम लोग को ये एयर बबल कहाँ तक ट्रैवल किया है और कितने टाइम में ये पता चल जाए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं।
तो बेसिकली ये पूरा ट्रांसपीरेशन, यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये जो ट्विग है यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है। और जब ये वाटर यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहा है, ये जो बबल्स यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ये हम लोग को दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपीरेशन हो रहा है। और जब यहाँ पे वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है, तो इससे भी हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जो अब्सॉर्प्शन हो रहा है वो साथ ही साथ, मतलब वो दोनों सिमल्टेनियस प्रोसेस है जो साथ में चलता है, अब्सॉर्प्शन भी होता है और ट्रांसपीरेशन भी साथ में होता है। और एक हम लोग के पास फोटोमीटर है जिससे कि हम लोग ट्रांसपीरेशन मेजर कर सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन मेजर कर सकते हैं। ये अपेरेटस को हम लोग बोलते हैं फार्मर्स फोटोमीटर। तो ये भी जैसे गेनोंग्स फोटोमीटर जैसे वर्क करता है, वैसे ही ये भी वर्क करता है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लास बॉटल है, उसमें वाटर फील्ड है। अब यहाँ पे भी कॉर्क को ऐसे फिट किया गया है। यहाँ पे इस कॉर्क के अंदर तीन होल्स होता है। पहला होल्स में क्या होता है, ये जो आप बीच वाले मिडिल वाले होल्स है, इसमें हम लोग एक लीफ ट्विग को डाला जाता है। सेम वही प्रोसीजर है जो गेनोंग्स फोटोमीटर में किए, उसको ऑब्लिकली कट किया जाता है, यहाँ पे फिट किया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है रिजर्वर जो वाटर रिजर्व करता है, इसका भी सेम यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है जिससे हम लोग को फ्रेश रीडिंग लेने टाइम हेल्प करता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट जो एक होल है वहां से एक देख रहा है आपको बेंड कैपिलरी ट्यूब इसमें लगा हुआ है। तो ये ट्यूब से हम लोग को इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें हम लोग को जब ये यहाँ पे ट्विग डालते हैं तो ट्विग क्या करता है, वाटर अब्सॉर्ब करता है। जैसे वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा यहाँ पे बबल अपेयर होगा, वो बबल्स क्या करेगा यहाँ मूव करेगा, ट्रेवल करते हुए वो कहीं पे भी यहाँ पे या यहाँ तक कहीं तक भी जाएगा। उसको हम लोग को क्या करना है, मार्क कर लेना है कहाँ तक जाता है, नोट करना है। और सेम प्रोसीजर जैसे गेनोंग्स में किया, स्टॉप वॉच भी ऑन करना है और उसको देखना है कितने टाइम में वो गया। ठीक है, ये बबल्स हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को बबल्स अगर नेक्स्ट रीडिंग लेना है तो क्या किया जाता है, ये जो रिजर्वर इसको ऑन किया जाता है और ये जो बबल्स यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया होगा उसको फिर क्या जाता है, वो वाटर यहाँ पे ओपन किया जाता है। तो जैसे जैसे वो वाटर इधर आता है वो बबल्स को साइड कर देता है और फिर हम लोग नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, दो प्रैक्टिकल हम लोग देखे। एक हो गया हमारा टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसमें हम लोग ट्रांसपीरेशन कैसे हो रहा है, लीफ के थ्रू हो रहा है वो पता है, पर कैसे हो रहा है, वो वाटर वेपर कैसे अपीयर हो रहा है वो हम लोग देखे। फिर हम लोग का दूसरा प्रैक्टिकल था टू डेमोन्स्ट्रेट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बाय गेनोंग्स फोटोमीटर और फार्मर्स फोटोमीटर। गेनोंग्स फोटोमीटर जैसे वर्क करता है ये भी करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंसेस है। अब हम ये दोनों एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम बेलजार एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखे कि वाटर वेपर जो है यहाँ पे बेलजार इनसाइड द बेलजार कैसे अपीयर हुआ और उससे हम लोग को कैसे पता चला कि यहाँ पे ट्रांसपीरेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल था उसमें हम लोग रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कैसे मेजर करेंगे वो देखे। इसमें गेनोंग्स फोटोमीटर देखे और फार्मर्स फोटोमीटर। गेनोंग्स फोटोमीटर में कैसे वाटर अब्सॉर्ब होता है, फिर कैसे एयर बबल्स आता है एंड देन उसको रीडिंग लेते हैं हम लोग, उसको मेजर करते हैं कि इतना अमाउंट में वाटर ट्रांसपीरेशन इसमें हो रहा है।